So what I'm saying, your feeling is not a problem. There is feeling and there are many reasons, hormonal reasons are there, ठीक है? बहुत सारे कारण हैं, आपके अंदर feelings हो सकती हैं, कोई बुराई नहीं है, ठीक है? लेकिन सबसे ज्यादा important ये है कि vision होना बहुत जरूरी है, right? You need to have a long term vision. लंबा एक विजन होना चाहिए तुम्हारे पास कि भाई मेरे को आगे क्या करना है, ठीक है? तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है. एक समय जीवन में ऐसा आएगा जब शायद ये मैटर नहीं करेगा तुम्हारे लिए कि तुम एक रिलेशनशिप में हो या तुम अपना दोस्तों के पीछे टाइम बर्बाद कर रहे हो, तब वो आपके करियर को डिफाइन नहीं करेगा उस टाइम पे. देन यू जंप इन टू इट, नॉट ए प्रॉब्लम, भाई, इट्स ए वंडरफुल थिंग, राइट? हमें क्या दिक्कत है, तब आप जंप करो. तो देयर विल बी ए टाइम. अगर आप अभी चीजों को अटेन कर लेते हो या तुम्हारी नौकरी लग जाए अच्छी, तुम जो चाहते हो तुम्हें मिल गया, उसके बाद यार यू डू व्हाट एवर यू वांट, तुम्हें जहां जाना है जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज तब तुम्हारे पास करियर सेट है एंड नाउ कॉन्शियसली यू कैन हैव फन व्हाट एवर यू वांट यू डू. पर अभी महाराज ऐसी गलती मत करना, मैं आपको लिटरली बता रहा हूं. ये मैं आपको बहुत सारे लोगों को देखा है, मैंने उसके एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, क्योंकि लोग इस गफलत में रह जाते हैं, ठीक है? वो उस टाइम पे इतना इमोशनल होते हैं कि वो फिर सब कुछ छोड़ के, पढ़ाई लिखाई छोड़ के, राइट, वो कुछ भी करने को तैयार होते हैं. कहते हैं मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर दूंगा ना, तैयारी वाली ऐसी ऐसी तो बेकार चीज है, इसमें क्या है, मैं तो मजदूरी करके तुम्हें अच्छा सा रोटी खिला दूंगा. तो ये भी फेज होता है जब आपको ऐसा लगता है कि आप सब कुछ छोड़ सकते हो एक आदमी के लिए, और फिर 5 साल बाद तुमको लगेगा कितना बड़ा मूर्ख आदमी था मैं. तो ये सब मिस्टेक ना करना, ठीक है? मैं आपको सही चीजें बता रहा हूं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आज तुम्हें समझ में नहीं आएंगी, बाद में तुम्हारे पास समझने के लिए ना समय होगा, पर तुम्हें लगेगा कि तुमने कर दी मूर्खता. तो करियर को इंपॉर्टेंट रखिए नंबर एक पर, ठीक है? कि जो तुम्हें बनना है वो तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है. बाकी चिंता मत करो, भारत देश में शादियां हो जाती हैं, तो ऐसा नहीं है कि तुम प्रयास नहीं करोगे तो तुम्हें कोई कभी मिलेगा नहीं, ठीक है? तुम्हें मिल जाएगा, ठीक, कोई ना कोई मिल जाएगा जो भी तुम्हारी किस्मत में होगा. तो ऐसा नहीं है कि आपको इतना टेंशन लेने की जरूरत है, ठीक है ना? तो परेशान मत होइए,